हे फैमिली, मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट्स फ्लेवर में। भाई, सर्दी का मौसम है और चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े ना बने तो फिर क्या बने। इसलिए आज मैंने एक रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है कच्चे केले और आलू की पकौड़े। इसलिए हमें चाहिए एक केला और मैंने ये चार आलू लिए हैं जिसको उबाल के मैंने रखे हैं। पहले हम इसको मसाला बनाते हैं आलू का, फिर पकौड़ा बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मैंने आलू को ऐसे मैश कर दिया है, अब हम आलू का मसाला बनाएंगे। और मैंने पैन भी चढ़ा दिया है गैस पर। अब हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया और अब हम थोड़ा सा तेल गरम होने देते हैं, फिर हम डालते हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटे चम्मच जीरा ले लिया है जिसको हम डाल देते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा कड़ी पत्ता ले लिया है, एक हरा मिर्च, और उसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम प्याज, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्याज कट करके रखे जिसको डाल देते हैं अच्छी तरह से मिला लेते हैं। यहाँ पे एक ही प्याज का यूज किए हैं और उसको थोड़ी देर पकने देते हैं, फिर मसाले यूज करते हैं। ये प्याज भुन गया है, अब हम मसाला डाल देते हैं इसमें। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक ले लिया और 1 छोटा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच मैंने मिर्ची पाउडर ले लिया और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर ले लिया मैंने और 1 चम्मच मसाले गरम मसाला ले लिया। इस सारे को अच्छे से मिला लेंगे और आलू को ऐड कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिला देंगे, कोई पानी ना यूज करें। आलू का मसाले बनके तैयार है और मैंने केले को भी ऐसे बीच में से कट करके ऐसे स्लाइस कर दिया है। अब हम बैटर बनाएंगे बेसन की, फिर उसमें एक लेयर लगाएंगे, फिर फ्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 कप बेसन लिया है और इसमें हम सारे स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच करीब मिर्ची पाउडर ली है और 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच धनिया। और इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसका बैटर बनाएंगे, एक साथ पानी ना डाले। इसका बैटर ना ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाले। ये बैटर देखिए कैसे बनी है, ना गाढ़ी ना पतली, ऐसे ही बनाए। और मैंने नमक नहीं डाला था, अब डालूँगी मैं नमक। यहाँ पे क्वांटिटी को देख के नमक डाल दिया मैंने, बस अब मिला देंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि हम केले में लेयर बनाएंगे आलू का। तो ये केले का पीस है और हम आलू का फिर लेयर बनाएंगे। मैंने यहाँ पे सारे केला ऐसे केले में आलू का लेयर बना दिया है, बस एक दिखा देती हूँ आपको ये कैसे बनता है। ऐसे बस एक केले के लेयर लेना है, एक केले के पीस लेना है और आलू का लेयर ऐसे लगा देना है इसमें। और फिर हम उसको बेसन पे डीप करके फ्राई करेंगे। ये देखिए ये बन गया है, हम फिर बेसन पे डीप करेंगे फिर फ्राई। मैंने गैस पे पैन चढ़ा दिया है और तेल भी मैंने डाल दिया और तेल भी गर्म भी हो गया है ये। अब हम इसको डीप करके फिर फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक पीस उठा के ले रही हूँ और उसको ना हम ऐसे डालेंगे नीचे से तरफ, फिर उसको पलटा के ऐसे करेंगे। ध्यान से करना, नहीं तो आलू का जो मिक्सचर है वो नीचे जा सकता है, फिर बेसन के अंदर चला जाएगा। फिर इसको थोड़ा सा हल्का सा ऐसे निकाल के फिर हम तेल में छोड़ देते हैं। फिर दूसरा भी ऐसे करते हैं। मैंने गैस की फ्लेम मीडियम पे रखा है, फिर इसमें जल जाएगा। फिर ये फ्राई हो रही है, इसको हम पलटा देते हैं ध्यान से, तेल का छींटा ना आए ऊपर। बढ़िया, अब हम मैं गैस को मीडियम फ्लेम पर रखी हूँ, अब हम इसको फ्राई होने देते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल पक गया है और फ्राई भी हो चुकी है। ये देखिए एकदम से बढ़िया से फ्राई हुआ है और हम निकाल देते हैं उसको प्लेट में। आपकी गर्मा गर्म आलू वाले केले की पकोड़े, इसको जरूर घर में ट्राई करें। ये बहुत स्मूथ बनती है, आलू की लेयर है, इसलिए आप इसको घर में बनाएं और चाय के साथ इसकी मजा लें।
अगर ये रेसिपी मेरे अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। हाँ, बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ।